समस्या आज के जमाने में एक कॉमन सी शब्द हो गई है जो हर घर में है, सबके पास है, आपके पास है, हमारे पास है, हम सबके पास है। हम इससे बच नहीं पा रहे हैं। और मानो तो इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके पास कोई समस्याएं नहीं है। लेकिन अगर समस्याएं हैं और हम बात करते हैं सुखी रहो, खुश रहो, लेकिन जरा आप सोचिए कि अगर समस्याएं हैं तो हम कैसे खुश रहेंगे, सुखी कैसे रहेंगे? हम तो हमेशा दुखी महसूस करेंगे। इसलिए ऐसा क्या करें कि हमारे पास समस्याएं भी हो और हम खुशी भी रहें, सुखी रहें? आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत ही प्रसिद्ध और आत्मज्ञानी बौद्ध भिक्षु बहुत सालों से अपने जीवन काल में ज्यादातर समय ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में रहा करते थे। वे पहाड़ पर्वत इस तरह थे कि उस पर चढ़ना बहुत ही कठिन था। इसलिए पूरे साल भर में उस जगह के बहुत कम लोग ही उनसे मिलने के लिए जाते थे। और वैसे ही व्यक्ति उस भिक्षु से मिलते जिसकी चाह बहुत अधिक थी, जिसकी इच्छा बहुत अधिक रहती थी, और या तो उन लोगों के पास बहुत समस्या रहती थी। क्योंकि जब समस्या लोगों को आती है तो लोग ना जाने समस्या का समाधान करने के लिए क्या क्या तरीके, क्या क्या उपाय अपनाने लगते हैं। और ठीक इसी प्रकार समस्या से घिरे लोग उस पहाड़ों पर जाते थे, उस बौद्ध भिक्षु से मिलते थे। जब लोगों को समस्या का समाधान पूछना होता, जो लोग बहुत मुश्किल समय में थे, वही लोग पहाड़ों पर चढ़कर उस भिक्षु से अपनी मुश्किलों का हल पूछते थे। नहीं तो ज्यादातर लोग जब भिक्षु पहाड़ों के नीचे आते तब उनसे मुलाकात कर लेते। एक बार पर्वतारोहियों का एक समूह उस पहाड़ में घूमने गए तो उन्हें किसी व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु और उनकी बुद्धिमत्ता के बारे में बताया। बौद्ध भिक्षु के बुद्धिमत्ता के बारे में जानने के बाद पर्वतारोहियों के समूहों ने उनसे मिलने का निश्चय किया। वह पहाड़ में और ऊपर की ओर चढ़ते हुए भिक्षु के आश्रम में पहुंच गए। जब बौद्ध भिक्षु ने उन्हें देखा तो पूरे सम्मान के साथ पर्वतारोहियों का अभिवादन किया और बैठने के लिए कहा। कुछ देर बैठने के बाद उन लोगों ने अपनी अपनी समस्या बौद्ध भिक्षु के पास रखना शुरू किया। लेकिन उनमें इस बात को लेकर बहस होने लगी कि उन लोगों में से सबसे पहले कौन अपनी समस्या को बताएगा, क्योंकि सभी लोग बोल रहे थे कि मेरी समस्या सबसे बड़ी है, इसलिए पहले मैं अपनी समस्या का समाधान पूछूंगा। धीरे धीरे उनकी बहस करने की आवाज बहुत ऊंची होने लगी और वहां चारों तरफ जोर का शोर होने लगा। यह देखकर बौद्ध भिक्षु चिल्लाए, पहले तुम सभी शांत हो जाओ, मेरे पास इस समस्या का समाधान है। और यह कहकर बौद्ध भिक्षु वहां से उठकर अपनी कुटिया के अंदर चले गए। कुछ देर के बाद बौद्ध भिक्षु अपने हाथों में कागज कलम और कटोरी लेकर आए। बौद्ध भिक्षु ने फिर कहा, तुम सभी लोग एक गोला बनाकर बैठ जाओ और एक एक कागज कलम लेकर उसमें अपनी सबसे बड़ी समस्या लिखकर उस कागज के टुकड़े को मोड़कर एक एक करके इस कटोरी में डालते जाओ। बौद्ध भिक्षु की बातों से सहमत होकर सभी लोगों ने यही किया। वे एक गोल घेरा बनाकर बैठ गए और अपनी अपनी समस्या को कागज में लिखकर उस कटोरी में डाल दिया। उसके बाद ये किया, उस बौद्ध भिक्षु ने उस कटोरी को उठाया और उसे अच्छे तरीके से हिलाकर कागज के टुकड़ों को अच्छे से मिला दिया। फिर भिक्षु ने बहुत शांत भाव से उस कटोरी को उनके पास में ही बैठे पहले व्यक्ति को देते हुए कहा, इस कटोरी में जो कागज का टुकड़ा है, तुम में से सभी लोग एक एक करके टुकड़ा उठाते जाओ। और एक बात याद रहे, जिसका भी नंबर आए तो वो टुकड़ा वही उठाएगा जो टुकड़ा सबसे ऊपर है। फिर उस पर लिखी समस्या को पढ़ो और जरा सोचो, क्या तुम्हारे जीवन में भी इसी तरह की समस्या है? और क्या इसी तरह की समस्या होनी चाहिए जो तुम अभी पढ़ रहे हो, या तुम्हारी अपनी ही समस्या ठीक थी? भिक्षु की ये बातें सुनकर एक एक करके सबने कटोरी से पेपर उठाया और एक दूसरे के समस्या के बारे में पढ़ा, तो सभी लोग एक दूसरे के समस्या के बारे में जानकर बहुत डर गए। और अंत में सब इसी निर्णय पर पहुंचे कि उनकी अपनी समस्या उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी दूसरों की है। और कुछ ही देर में उन्होंने एक दूसरे को उनकी अपनी समस्या वाली कागज को वापस कर दिया। और जब अंतिम में देखा जाए तो सबके हाथ में
अपनी अपनी समस्या वाला कागज ही थे। अब सभी शांत थे और सभी लोग मन ही मन खुद को दूसरों से अधिक खुशकिस्मत समझते रहे। सब लोग ये सोचने लगे कि मैं उनसे ज्यादा खुश हूँ, मेरी प्रॉब्लम्स, मेरी समस्या उनके सामने कुछ भी नहीं। और फिर सभी लोगों ने उनकी आंखें खोलने के लिए बाद भिक्षू का बहुत धन्यवाद किया और वहां से चले गए। मित्रों, हम सबको अपना अपना दर्द, अपनी समस्या बहुत बड़ा लगता है। हमें लगता है कि हमारी समस्या ही सबसे बड़ी है, क्योंकि हम दूसरों की समस्या के बारे में नहीं समझते, दूसरों की समस्या के बारे में विस्तार रूप से नहीं जानते हैं, इसलिए हमें अपनी समस्या ही बड़ी लगती है। एक इंसान को अपनी समस्या तब तक बड़ी लगती है जब तक वह दूसरों की समस्या को नहीं समझता, दूसरों की समस्या को नहीं जानता। क्योंकि लोग अपनी लाइफ में इतने व्यस्त हैं कि वो अपने आसपास अपने कलीग्स को ध्यान से देखते ही नहीं है। अगर हम अपने आसपास ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे कि हर इंसान यही सोचता है कि उसकी परेशानी बहुत बड़ी है, उनकी समस्या इतनी बड़ी है कि वह आगे सोच ही नहीं पाता है और वह इस समस्या से जूझता रहता है और हमेशा उस गॉड को, उस भगवान को कोसता रहता है कि उसकी किस्मत खराब है। लेकिन जरा सोचिए, अगर हम दूसरों की समस्याओं को देखें, उन्हें ध्यान से सुने, उन्हें अपने जीवन में महसूस करें, तो हमें हमारी सारी समस्याएं बहुत छोटी लगने लगेगी। हम खुद को भाग्यशाली समझने लगेंगे, क्योंकि हम अक्सर छोटी छोटी समस्याओं को लेकर अपने जीवन और अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। जिनमें से ज्यादातर समस्याएं ऐसी होती है जिन्हें हम बस थोड़ी सी मेहनत और दिमाग लगाकर आराम से खत्म कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में हम ऐसा करते नहीं हैं। हम उनके लिए भी शिकायतें करते रहते हैं। अगर किसी इंसान का वजन ज्यादा है तो ये उनके लिए एक समस्या है, अगर किसी का वजन कम भी है तो ये भी उनके लिए एक समस्या ही है। अगर कोई बेरोजगार है तो वो दुखी है, लेकिन अगर किसी के पास नौकरी भी है तो भी वह दुखी है। वह दुखी है अपने उस नौकरी की वजह से, वह दुखी है कि और बड़ी नौकरी कैसे ले, उनका पद कैसे बढ़े, ज्यादातर इस बात से वह दुखी रहता है। और ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो हमारे पास है हम उसे स्वीकारते नहीं हैं, हम उसे सकारात्मक तरीके से नहीं देखते हैं, हम सिर्फ उसे नकारात्मक तरीके से ही देखते हैं। हम उसमें कमियां निकालते रहते हैं और इन्हीं कमियों के बारे में सोचकर हम दुखी होते रहते हैं। लेकिन वास्तव में इस दुनिया में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में कोई समस्याएं नहीं है। ये हमारा जीवन बहुत ही आसान है, लेकिन हम अपनी समस्याओं की वजह से, अपने नकारात्मक विचारों की वजह से अपने जीवन को बहुत जटिल कर देते हैं। लेकिन एक बात याद रखे कि ऐसा कोई भी दिन नहीं आने वाला है जिस दिन हमारे जीवन से सारी समस्याएं, सारी कमियां खत्म हो जाएगी। ये हमारी आखिरी सांस तक, हमारे अंतिम क्षण तक साथ रहने वाली है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर हमारे जीवन में दुख और परेशानियां होगी, अगर हमारे जीवन में नकारात्मकता होगी, तो हम खुशी कैसे महसूस करेंगे? और वास्तव में हम खुशी महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे भीतर नकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। लेकिन अगर जरा समझेंगे कि परेशानियां हमारे जीवन का एक हिस्सा है, इससे हम भाग नहीं सकते हैं, तो इनका सामना करना ही पड़ेगा। परेशानियों का सामना करने के लिए सबसे पहला नियम है अपने परेशानियों को समझना, अपने परेशानियों को स्वीकार करना। अगर परेशानियां है तो समाधान भी होगा, तो इसमें दुख की क्या बात है? इसलिए सबसे पहला सूत्र है कि अपने परेशानियों को समझो, उसे स्वीकार करो कि हाँ, ये परेशानियां हमारे जीवन में है, हमें इसका समाधान करना है। क्योंकि समस्याओं से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि उसे अपने जीवन में स्वीकार कर ले, उसे मान ले कि ये परेशानियां है, हमको इसी के साथ जीना है और इसका समाधान भी करना है, और यही हमारा जीवन है। मित्रों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इस बारे में आपका क्या विचार है? आपकी क्या भावनाएं हैं? एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। क्या पता आपके एक कमेंट से किसी का जीवन बदल जाए। धन्यवाद।